दस कलाम जी जाए इस वक्त वहाँ पर साल है क्या और ये सारा माजरा किस तरह से पेश आया। बात करते हैं न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, सेनेटर इसराउल्लाह ज़ारी के बेटे ज़ियाउल्लाह ज़ारी और पुलिस मुकाम के दरमियान दस कलामी किस मामले पर हुई और भी क्या मामला खत्म हो गया? देखिए जानी और पेश आया है जब किडनैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स और पुलिस ने रोका है इसराउल नदी के बेटे ज़ियाउल्लाह की गाड़ी को, जिसमें 8 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट उनके मौजूद थे जो कि वॉकी टॉकी सेट और वायरलेस सेट साथ लेकर चल रहे थे। इस दौरान गाड़ी रोकी है तो इसराउल्लाह रैली के बेटे ज़ियाउल्लाह जो है वो मुस्तैद हुए हैं, घटनापेल हुई है और इनके सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस अफसरान पर असलाह ताना है। इस दौरान जो रेंजर के अहलकार मौके पर मौजूद थे उन्होंने इनके गार्ड से वो तमाम एसएमजी राइफल्स और 20 राइफल्स जिस तरह 8 बताई जा रही है वो अपनी तहवील में ले ली है, जबकि इनके जो 2 गार्ड हैं उनको भी हिरासत में लेने के बाद जो जेल तस्दीक की गई है और अब इन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि असलहा सवाल पुलिस तहवील में है जिसके लाइसेंसेस चेक किए जाएंगे, परमिट चेक किए जाएंगे और अगर ये सुरक्षा बिना तस्दीक होती है तो उसके बाद ये तमाम चीजें इनको वापस दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।